योरी जी 10 साल से कैद था, मगर अब उसे उसका बदला चाहिए। मुझे ढूंढ के दिखा। अरासी घर आके देखता है कि उसकी पत्नी मरी हुई है और उसके बेटे को बंदी बना लिया गया। उसको पता था कि ये किसने किया है और अभी वो उसको ढूंढने जा रहा है। So yo, what's happening guys? Welcome back to another brand new gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Ninja Arasi। और अगर बात करें मेरी, तो मैं पिछले 10 महीने से बिल्कुल ही इरेगुलर हो गया था। उसका रीज़न तो बहुत ही वो है, उसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। बट अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में मैंने किया क्या है, तो मैंने अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा ही वॉइस पे काम किया है। मैंने हद से ज़्यादा वॉइस ओवर के एडिट्स बना रखे हैं। मैंने अपलोड नहीं किया वो अलग बात है, बट वॉइस प्रैक्टिस बहुत की है। और मैंने यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वो फ्यूचर प्लान है, तो वो तुम धीरे धीरे फ्यूचर में देखोगे। बट इतना जान लो कि वो जो फ्यूचर में होने वाला है वो बहुत ही क्रेज़ी होने वाला है। तो चलो अपना फर्स्ट लेवल शुरू करते हैं। तो तुम्हें कुछ डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा मेरे वॉइस में, तो तुम बताना तुम्हें ये न्यू वाली वॉइस ज़्यादा अच्छी लगी या फिर मेरी जो पुरानी वाली वॉइस थी वो। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चलो चलते हैं गेम प्ले की तरफ। तो फर्स्ट लेवल में ये हम लोगों को सिखा रहे हैं चीज़ें, बट मुझे ये चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भाई हर एक गेम में प्रो हूँ। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो अच्छा ये डैश मारने का दिखा रहे हैं। हाँ वैसे ये मूव बहुत ही कूल तो दिख रहा है, बट देखते हैं कितना काम में आएगा हमारे। तो मेरी सर्टिफाइड टू ऑडियंस, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने सर्टिफाइड टू लिफ्ट कर दिया था? वो एक्चुअल में मैंने लिफ्ट क्यों किया था उसके ऊपर पूरी वीडियो आने वाली है, और मैंने लिफ्ट किया भी था कि नहीं तो मैं वो फुल डिटेल में बताऊंगा, और उसका रीज़न क्या है मैं तुम्हें वो भी बताऊँगा। तो उसके लिए वेट करो, वो वीडियो बस आने ही वाली है इस वीडियो के बाद। तो गेट रेडी गाइस। तो इसमें हमारा टास्क ये है कि हमें लेवल्स कम्प्लीट करने हैं, और ये जो है ना एक बंदा योरीची है उसका नाम, बट योरीची ज़्यादा कूल लग रहा है तो मैं वो बोलूँगा। इस पर एक बंदा है योरीची, उसने लिटरली ये जो अपना बंदा है इसका नाम है अरासी, और उसने योरीची ने अरासी का पूरा फैमिली मार दिया और उसके बच्चे को किडनैप कर दिया है। तो अभी हम लोग अरासी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं योरीची से बदला लेने। मतलब बदला हम नहीं लेंगे, हम अरासी के बेटे को वापस लेके आएंगे उससे। तो ये है कुछ पोर्टल स्क्रोल्स, इसको लेके हम लोग योरीची के पास पहुंच पाएंगे। इसके बिना हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे उसके पास। तो इसको कलेक्ट करना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी फर्स्ट लेवल पर 3 कलेक्ट कर लिए, हर एक लेवल पर 3 होते हैं। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। और योरीची ने लिटरली बहुत सारे गार्ड्स वगैरह भी रख रहे हैं मुझे मारने के लिए, बट हम लोग उनको इजीली डिफीट कर देंगे। इसी के साथ ही अपना लेवल 1 कंप्लीट हो गया। सो गाइस जिन लोगों ने ये गेम पहले से खेल रखा है, लिटरली अगर मेरे से कोई स्क्रॉल छूट जाए तो मुझे उसका लोकेशन बता सकते हो। तो ये रहा अपने कुछ वेपन्स। तो अपने पे है एक कटाना है, एक सुरिकेन्स है और एक निंजा डॉल है। तो हम लोगों को अपना कटाना को लेवल अप करना है, तो उसके लिए अभी हम लोग चलते हैं दूसरे मैच में। अच्छा तो इस मैच में ओरिची ने अपने ट्रैप्स भी बिछा दिए, बट कोई ना हम लोग उसको भी पार कर लेंगे। तो ये रहा अपना पहला स्क्रॉल, और ये जो बंदा ये ईजिली डबल जंप मार लेता है। सबसे पहले एक सिंगल जंप मारता है, उसके बाद स्काई में डबल जंप मारता है, बहुत सही है। तो अभी हम लोग सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके चलते हैं आगे। और ये रहा यार बच्चा सा बंदा, इसको तो मैं यूं ही ना मार दूँ, उसके पास भी नहीं जाना पड़ा यार, बंदा वैसे ही मर गया। तो ये कुछ डब्बे वगैरह हैं, इनसे हमें देखा अपने लापरवाही का नतीजा। अरे ये बिल्कुल ही सरप्राइज अटैक हो गया गाइस, बट कोई ना यार, ऐसे ही सरप्राइज अटैक्स की बात कर रहा था यार वो बंदा, आई मीन मैं। तो अभी हम लोग इसको पार करना है। आई थिंक अगर मैं इसके नीचे से जाऊंगा तो मर सकता हूँ, और मैंने वहाँ पे डैश मार के मैं वहाँ से निकल गया, और आई थिंक इसलिए मैं बच भी गया। अगर मैं चल के आता तो वो मर जाता आई थिंक वहाँ से। सोल बीस्ट, ये क्या चीज़ है? आई थिंक कुछ तो तगड़ा सा है। वैसे उसके मुँह में जो चीज़ है ना वो एक्चुअल में हमारे काम में आ सकती है,
तो उसको लेना तो पड़ेगा, चलो लेते हैं उसको। हाँ इसको मारना थोड़ा हार्ड था बट मैंने ले लिया। अच्छा हाँ ये वो सील्ड है, ये एक्चुअल में हमें बहुत मदद कर सकती है बैटल में। वाह वैसे गेम अगर मैं बताऊँ ना गेम की बात, तो ऑफलाइन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से है। और ये गेम लिटरली इसका साइज भी बहुत ही छोटा है और इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। तो तुम लोग ये गेम डाउनलोड करके खेल सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि जिन जिन लोगों ने खेला है भाई, थोड़े बहुत टिप्स दे सकते हो। इस वाली वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलना, बिकॉज ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उसको ज़रूर से देख लेना। लिटरली उसमें मैंने शैडो फाइट 2 को मदारा के साथ मर्ज कर दिया था पूरा, और इसी के साथ ही अपना लेवल 2 भी हो गया कंप्लीट। तो जो लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी हम लोग चलते हैं लेवल 3 में, बट उससे पहले लेवल 3 को हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज देखो, देख रहे हो ना, ये सब चीज़ें होती है हिडन, इसके अंदर कभी कभी स्क्रोल्स मिलते हैं मैंने सुना था। तो हमें अच्छे से खेलना पड़ेगा, एक्चुअल में हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओ भाई बंदा सरप्राइज अटैक बहुत सही करा रहा है एक्चुअल में। पर मैं भी मर जाता लिटरली यहाँ पे। ये सब कितने ज़्यादा सरप्राइज अटैक्स है इसके। जो चलो देखो गाइज, हमें एक मिल गया है, एक स्क्रोल मिल गया। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये बंदा एक्चुअल में थोड़ा ख़तरनाक है, बिकॉज इस पर लॉन्ग रेंज वेपन है। बंदा मुझे दूर से ही देख के मार देता है एक्चुअल में। अरे आई थिंक नीचे एक स्क्रोल है, हो सकता है स्क्रोल। रुको इसको तोड़ते हैं पहले। यार कुछ नहीं था लिटरली मैं, अरे दोबारा वो जी। बट कोई ना, इस बार मैंने इजीली स्केप कर लिया अपने डैश मार के। मैं पहले कूद गया था उसके ऊपर, बट मैंने फिर डैश मार के मैं बच गया। तो अपना ये सामने एक बंदा दिख रहा है हमें, तो इसको पास से जाके मार देते हैं कोई ना। तो यहाँ पे मैं खाली में क्यों कूद गया यार, मुझे पहले देखना चाहिए कि चीज़ क्या है। बट कोई ना, यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं डैश मार के, बच गया मैं। तो अभी हम लोग जाते हैं उस वाली जगह पे। तो इस बार आई थिंक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट कर लेते हैं वेट, कर भी कह सकते हैं। यार जल्दी आ जा, कितना टाइम लग रहा है। तो अभी आ चुका है, तो अभी हम लोग इससे चलते हैं, साथ में स्क्रोल भी लेके चलते हैं। तो स्क्रोल मैंने उठा लिया और अभी हम लोग यहाँ से सीधा ही कूद के चले जाएंगे, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी देखते हैं ये आगे क्या है। बट इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है ना, एक्चुअल में बहुत ही सही बना रखा है इसको। ये जो बंदा है ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं अगर सूर्यकेन से मारूँगा तो बंदा पीछे घूम जाएगा और मुझे एक बार में ख़त्म कर सकता है वो। तो अभी ये ऊपर वाला सील्ड वाला बंदा बाकी है, इसको मारने के लिए हमें एक्चुअल में कूद कूद के ही मारना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पे स्वॉर्ड का टैस नहीं है, नहीं तो मैं वन शॉट कर देता बंदे को। तो अभी हम लोगों ने इसको मार दिया है, चलते हैं आगे। तो ये जो आ रहा है ना, ये एक्चुअल में चेक पॉइंट से है, मुझे अभी पता चला। ओ भाई ये क्या सरप्राइज अटैक था लिटरली, अभी मैं नीचे चला जाता बिल्कुल ही। तो कोई ना, सही है। इस बंदे पे तो डैश यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज उस पर अगर मैं सुरीकेन यूज़ करूँगा उतने में बंदा के मार के चला जाएगा मुझे। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तो इसी के साथ ही अपना लेवल 2 हो गया कंप्लीट, और लेवल 3 हो गया कंप्लीट। अभी लेवल 4 खेलते हैं, चलो कोई ना। तो लेवल 4 में भी गाइस मैंने वही सब किया लिटरली। ये सील्ड वाला बंदा था, इसके लिए मैंने ये यूज़ कर दिया अपना। यार ये अटैक तो मेरे लिए अब सरप्राइज नहीं रहा, बिकॉज मैंने कर लिया ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस बहुत बार। ओए भाई अभी गिरने वाला था मैं लिटरली, बट बच गया कोई ना। तो अभी इसको पार करके चलते हैं, और ये रहा अपना चेक पॉइंट। तो अभी लिटरली गमलों के अंदर बॉम्ब छुपा रखे हैं, अगर मैं पैर रख दूँ ना ख़त्म हो जाऊँगा। तो ये रहा अपना स्वॉर्ड्समैन, इसको मैंने आते ही डैश मार के ख़त्म कर दिया। और ये जो है ना, ये एसिड है बहुत ही ख़तरनाक सा। बट इस बंदे को कैसे मारूँ, लिटरली बंदे ने शील्ड पकड़ रखी है। तो मैं यहाँ पे डॉल बन चुका हूँ, यानी लकड़ी बन चुका हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा इसको ऐसे ही मारने का, बट यार इसको ऐसे नहीं मार सकते थे। तो मैंने डैश मार दिया, लिटरली मैं पॉइजन में घुस गया और ख़त्म हो गया। पॉइजन नहीं, एसिड है वो। बट कोई ना, एक अभी भी अपने पर 3 लाइफ तो पड़ी हुई है, देख रहे हो। यहाँ पे एक स्क्रॉल है छुपा हुआ, पता नहीं कैसे ही मिल गया, बट आज बहुत ही सही जगह पे छुपा रखा था। तो इसका आने का वेट करते हैं, मैं पिछली बार की गलती नहीं करने वाला कि ऐसे ही कूद जाऊँगा। तो अभी यहाँ से तो मैं कूद के इजीली चला जाऊँगा, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। वैसे ये जो बैकग्राउंड्स है ना, ये
बिल्कुल ये 2D है बट थोड़ा बहुत 3D जैसे लग तो रहे हैं। तो अभी गाइस चलते हैं यहाँ से आगे, पहले इन बॉक्स। ओ यार इसी की बात कर रहा था, लिटरली बॉक्सेस में वो बॉम्ब्स छुपा रखे हैं, जला देता है अपने बंदे को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अबे ये क्या कर दिया मैंने, डैम भाई मैं थोड़े मज़े कर रहा था, मज़े में यहाँ नीचे चला गया। बट इस बार हम लोग वो सेम गलती नहीं कर सकते, बिकॉज देख रहे हो मेरे पे एक ही लाइफ बाकी है। अगर इस बार हम लोगों ने गलती कर दी ना, लिटरली इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला, तो इस बार बिल्कुल ही हमें परफेक्ट खेलना पड़ेगा। पर ये गलत एक भी स्टेप मैंने गलत ले लिया ना, ख़त्म भाई, दोबारा स्टार्टिंग से नहीं खेल रहा मैं इसको। भाई यहाँ पे एक स्क्रॉल छुपा हुआ है, लिटरली देख रहे हो, ये होता है भाई छुपाने का तरीका। मैं इसीलिए बोला था गाइस हमें अपनी आँखें खुली रखनी पड़ेगी, अगर आँखें बंद। ओ भाई डैम, मैं लिटरली वहाँ पे क्या ही करके बचा हूँ मैं भाई, मज़े में कहीं पे भी कूद जाता हूँ और गिर के ख़त्म हो जाता हूँ। यार ये क्या था भाई, मैं लिटरली मैंने देखा वहाँ पे लाइव पड़ा हुआ है, मैं क्या ऊपर से एक चीज़ आई और ख़त्म कर दिया मुझे। बट कोई ना, एक चीज़ तो सही हो गई कि हमें एक लाइफ मिल गया और हम लोग मर गए, तो जितना लाइफ हमारे पे पहले थे जैसे कि एक ही लाइफ था, तो अभी अपने पे एक ही लाइफ है, तो वो चीज़ सही है, हमें कुछ हुआ नहीं। वरना तो भाई बहुत ही गलत सीन था ये बंदा तो छोड़ो बच्चे। ओ ये ट्रैप भाई, लिटरली सही टाइम पर याद आ गया, नहीं तो मैं अभी कूद जाता उस पर। वॉट, हम लोग इसके अंदर से भी आ सकते हैं, मुझे लगा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं डैश मार के आता था पहले। वाह वेट, भाई ये किस जगह पे स्क्रॉल फेंक रखा है, लिटरली मैं यहाँ से कैसे लेके आऊँगा। कूद जाना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कर लिया भाई कुछ भी करके, तो कोई ना अभी हम लोगों को इसके ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा। ये एक्चुअल में बहुत ही अजीब सा है, तो यहाँ से वहाँ तक चलते हैं। मैं काम कर सकता हूँ, मैं इस वाले के ऊपर कूदता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग चलते हैं सरफेस पे। ये डबल जंप और एक स्लैश। भाई ये क्या यार, एसिड की रेन होती है यार यहाँ पे, अजीब सा मैप नहीं है ये बहुत ही। तो कोई ना, वो फिनिश लाइन दिख रहा है बस एक और, इसी के साथ ही गाइस हमने लेवल 4 भी कर लिया कंप्लीट, तो चलते हैं भाई बिल्कुल। तो अभी हम लोग खेलेंगे लेवल 5, बट उससे पहले मुझे एक काम करना है, अपने जितने भी वेपन्स हैं ना उनको हम लोगों को पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वेपन्स अपग्रेड नहीं किए ना तो अजीब सा लगेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने सारे वेपन्स को बाढ़ में जाने दो, मैं एक ही चीज़ को अपग्रेड करूँगा जो कि है डैश, बिकॉज वो भाई वो बहुत ही कूल लगता है देखने में, प्लस भाई बहुत ही सही मूव है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने जितने भी पैसे हैं मैंने सारे डैश पे लगा दिए, और भाई ये बन गया ना अभी सही चीज़। तो मैंने जितने भी पैसे थे सारे डैश पे लगा दिए, तो अभी हमें और भी पैसे अर्न करने पड़ेंगे। बट कोई ना, अभी हम लोग खेलते हैं लेवल 5 जो कि आज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, लास्ट लेवल होने वाला है वो आज का। अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को, अभी तो भाई ये मिलने के बाद यार एसिड बिल्कुल ही, मैं इम्यून हो जाता हूँ एसिड से। मैं अगर चाहूँ तो एसिड में भाई नाच सकता हूँ, एसिड में नहा भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ भाई मैं, तुम लोगों को पता नहीं है बस। तो ये यार इजी सा लेवल लग रहा है मुझे, उतना भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ से स्क्रॉल लेने के लिए हमें डबल जंप करना पड़ेगा, पहले एक जंप और फिर मैंने कर दिया शैडो जंप अपना सेकंड वाला। तो गाइस वो कौन है, आई थिंक उसके हाथ में कुछ तो था यार, अलग सा कुछ था। ये बहुत ही रिस्की सा जंप था बट मैंने कर लिया यार, अगर बंदूक पकड़ के आने लग गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बंदा बंदूक से वन शॉट तो कर ही लेगा। ओ भाई मैंने भाई सही टाइम पे देख लिया कि वो ट्रैप आ रहा है, मैं लिटरली वहाँ से कूद के आ गया पीछे। इसके अंदर से हम लोग जा तो सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक ट्रैप था, मतलब समझ रहे हो ट्रैप कैसा है, मैं ऊपर से कूदूंगा उस ट्रैप में फंसूंगा और फिर ये भाई नीचे से आके मार देंगे। बंदे वैसे है तो बहुत ही चालाक जिनने ये मैप बनाया है भाई, बहुत ही खतरनाक सा है वैसे। अभी ये नीचे गिर रहे हैं, कोई ना, तो इसके लिए हमें बहुत ही फास्ट वहाँ से निकलना पड़ गया। यार ये सब्जी मंडी लगा रखी है जंगल के अंदर, वाह बेटा ये पता नहीं क्या ये। इस बंदे के लिए मैं हमेशा ही डैश यूज़ करता हूँ, और बाकी जो अपना स्वॉर्ड्समैन होता है उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की, उसको तो मैं हाथ से ही मार देता हूँ, सुरीकेन दूर से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं इजीली। बट अपने ये जो लॉन्ग रेंज वाले हैं ना, इनके लिए भाई डैश बहुत ही ज़रूरी है। भाई यहाँ पे तो लगातार एसिड रेन हो रही है, यहाँ पे तो रुकने भी नहीं वाली, और इसी के साथ ही अपना लेवल हो गया कंप्लीट। ये गाइस तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लेवल 5 तक। यार वैसे ये गेम है तो बहुत सही, तुम लोगों को बताओ कैसा लगा, अगर तुम लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर से कर देना।
तो गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ बताना, और इसका अगर पार्ट टू चाहिए तो पार्ट टू कमेंट कर दो। तो ठीक है गाइस, आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट वेट, उससे पहले मुझे कुछ सुनाना है। तुम लोगों को सुनना है कुछ? तो ये सुनो। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था इतने दिनों से। ये एक ही चीज़ नहीं है, बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस किया है। बट कोई ना, अभी के लिए इतना ही सुनो तुम लोग।